नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको पाकिस्तान की मीडिया के दो पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कमर चीमा का भारत में ब्लिंकन के दौरे पे पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, कैसे बौखलाए हुए हैं ये लोग और बौखलाहट में इन्होंने सच्चाई भी भांप ली है दोस्तों, क्योंकि भारत अब अमेरिका से भी दबने वाला नहीं। कर सकते हैं, अदरवाइज पहले स्टेट को तगड़ा करना पड़ता, फिर आप इंटरनेशनल सिस्टम देते। बट एनी हाउ, सो ऑन द अदर हैंड, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिका का जो एजेंडा है, या अमेरिका पूरी दुनिया में जो लेक्चर देता है जाके रिलीजियस फ्रीडम के, मीडिया फ्रीडम के, ये बहुत हद तक, और सिविल लिबर्टीज के, ये बहुत हद तक अब वो उसकी वैल्यू नहीं रही। आपको याद होगा कि अलास्का में आज से कुछ माह पहले, जब पहली दफा अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी और चाइनीज जो ऑफिशियल्स की मुलाकातें हुई, तो चाइनीज ने कहा कि हमें लेक्चरिंग ना करें आप, प्लीज हमें लेक्चर ना दें अमेरिका कि हमें क्या करना है, या हमें हमें ये हमें ये ना बताए कि हमने जो हमारा फ्रीडम रिकॉर्ड कैसा है, या हमारा मीडिया फ्रीडम रिकॉर्ड कैसा। उन्होंने कहा आपके मुल्क में क्या होता है, क्या ट्रंप ने मीडिया पे अटैक नहीं किए, क्या जो अमेरिकन जो सिविल जो ब्लैक मूवमेंट चलती है, ब्लैक लाइव्स मैटर, वो क्या चीज़ है। आपको तो अपना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और आप इस कैपेसिटी में नहीं रही अब कि दुनिया को ये बता सकें कि आप अकेले इस कैपेसिटी में नहीं रहे। दिस इज व्हाट द अमेरिकन सेड, दिस वर सॉरी व्हाट द चाइनीज सेड। चाइनीज ने कहा कि आप अकेले दुनिया को, इंटरनेशनल सिस्टम को डिक्टेट नहीं कर सकते, एंड द रूल्स ऑफ द गेम जो है वो आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ये जो मल्टीलैटरलिज्म है, यू हैव टू गिव इट अवे, इसको देना पड़ेगा, हम सब मिलके करेंगे। अमेरिका बहादुर ये अकेला नहीं कर सकता। एक चीज तो ये हो, यहीं से आके अगर पता चलता है हमें कि जो इंडिया है उसकी इतनी कैपेसिटी है। देखिए, वो तो मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जो है वो रशिया से वेपन्स ले रहा है S-400, क्यों बोला, और इंडिया जो है वो अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर्स ले रहा है अपनी नेवी के लिए। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से क्यों वेपन्स ले रहा है, S-400 ले रहा है। सिर्फ ये नहीं है, शायद मेरे सुनने में तो ये भी आता है कि शायद इंडिया जो है वो रशिया से, जो इसराइल से आयरन डोम भी ले सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो S-400 की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ये फील करता है कि रशिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए, और उसके लिए चाइना उसको वो पैसा दे सकता है। सो इंडिया इज ट्राइंग टू कम्पीट चाइनीज एज वेल, ताकि जो चाइनी जो रशियंस हैं वो सारा चाइना की तरफ ना टिल्ट कर जाए। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड, चीजें ऐसी शेप हो रही हैं कि इंडियन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो चाइना को देख के कर रहे हैं कि हमें रशिया से S-400 मिल जाएगा, ताकि हम रशियंस को न्यूट्रलाइज कर सकें। जो रिसेंटली जब अलास्का में अमेरिकन और चाइनीज की मुलाकातें हुई, तो उसके बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव है वो चाइना गए, और चाइना जाके उन्होंने ये कहा कि हमें एक फ्यूचर अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक की बात और बाकी। तो इंडियंस अपनी मार्केट स्टेप देख रहे हैं कि भाई हमें अमेरिकन के पास भी जाना है, फ्रेंच के पास भी जाना है, रशियन के पास भी जाना है, हमें सबके पास जाना है, चाइना के साथ वैसे कारोबार कर रहे हैं। सो ये बड़ी डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका जो मिलिट्री हार्डवेयर की प्रोक्योरमेंट है। तो ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो क्या अमेरिका इंडिया को लेक्चर कर सकता है ऑन ह्यूमन राइट्स, मीडिया फ्रीडम, पिगासस जो है स्पाईवेयर के हवाले से? मुझे नहीं लगता कर सकता है, ना ही इंडिया को वो शायद उस तरह। हाँ, टेबल पे बैठ के बात की जा सकती है, हाँ, लेकिन जिस तरह चाइनीज और अमेरिकन की आपस में आमने सामने जो हुआ था, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के सामने अमरीका करेगा। और अगर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और ब्लिंकन अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहाँ पे साफ़ी सवाल करते हैं ब्लिंकन से कि आप पिगासस प्रोजेक्ट के हवाले से आपने जो क्या इंडियन अथॉरिटी से बात की है, तो वहाँ पे जयशंकर क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जयशंकर ब्लिंकन को ये कहने देंगे कि हम जो है वो आप हमें लेक्चर ना करें इंटरनल? ये एक चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। या कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है वो खामोश रहेंगे और वो बोलेंगे नहीं, या उसको थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अमेरिकन को अनॉय ना करें, ये भी एक पॉइंट है। लेकिन अगर कोई
प्लान ले आउट करता है अमेरिका इंडिया के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उसको एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज इंडिया समहाउ बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन इंडो पैसिफिक, बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू सम एक्सटेंट एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विच इट वॉन्ट्स टू हैव फॉर एक्वायरिंग द मिलिट्री वेपन्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोबल पावर्स, जो कि जिनको आप कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहते हैं, I don't find के इंडिया जो है वो अमेरिका से दबेगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो रिलीजियस फ्रीडम मॉनिटर करने वाली जो टीम थी उसको वीज़ा ही नहीं दिए, तो वो परवाह ही नहीं करते कि आप क्या हमारे बारे में। ज़ायनिज़्म जो इंडिया में उठ रहा है उसको रोकने के लिए और खवारिज को और TTP को रोकने के लिए पाक इस्लाम और कुरान की बुनियाद पर एक रिलीजियस काउंटर नैरेटिव बिल्ड किया जाएगा। हमारा बयानिया हमारी रूहानी असास के अंदर होगा, पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है। हम जो भी बयानियां बनाएंगे उसकी जड़ें इस्लाम और कुरान और सुन्नत में होंगे। तो यह फैसला उस वक्त किया गया, और आप जो लोग तारीख याद रखते हैं उनको मालूम है कि उस वक्त 2008 में हमने हिंदू ज़ायनिज़्म पर प्रोग्राम किए थे। मोदी को तो लोगों ने आप देखा है, ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो लोगों को अब पता चल रही है। 2007-08 में किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना, लेकिन ब्रास टैक्स ने टेलीविजन पर सीरीज करके हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया। हिंदू ज़ायनिज़्म की इस्तलाह भी मेरी दी हुई थी, और दूसरी जानब हमने खवारिज TTP के खिलाफ खवारिज का तसव्वुर बिल्ड किया। सईदी रसुल्ला की हदीस निकाली, उससे साबित किया कि ये इस्लाम के मुजाहिद नहीं बल्कि जहन्नुम के कुत्ते हैं। और जब ये नजरिया पूरी कौम में फैला, फौज को पता लगा, हमारे कबायली इलाकों में लोगों ने इनकी हकीकत को जाना कि सईदी रसुल्ला ने TTP के बारे में क्या फरमाया हुआ। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी इस काबिल हुई कि फौजी ऑपरेशन करके इनको पीछे हटा सके, जब इसको हिमायत मिलना शुरू हो गई कबायली इलाकों से और कौम से, वरना पहले कौम खिलाफ थी पाक फौज के। जब हम अपनी फौज की कुर्बानियां याद करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करके और कुर्बानियां देकर हमने इतने शहदा देकर अपने इलाके आज़ाद कराए, ये कभी ना भूलिएगा कि पाक फौज कभी भी ये ऑपरेशंस नहीं कर सकती थी, कामयाबियां नहीं ले सकती थी, अगर हम बयानिए की जंग में, नैरेटिव की जंग में सबसे पहले TTP को शिकस्त न देते। ये माइनफील्ड जो पहले बारूदी सुरंग बिछी हुई थी हमारी कौम के रास्ते में, इस बारूदी सुरंग को बयानिए की जंग में शिकस्त दी गई। पहले हमने इनको TV पर डिस्ट्रॉय किया, नैरेटिव में डिस्ट्रॉय किया, इनके बयानिए को तबाह किया, इनको मॉरल हाईग्राउंड से उतार कर जहन्नुम के गढ़े में गिराया। जब ये जलील और रुसवा हो गए कौम में, इसके बाद पाक फौज ने जाकर इनको तबाह बर्बाद किया। इसी तरह अब जब भारत के खिलाफ हम बात करते हैं, तो भारत की जितनी जंगी तैयारियां इस वक्त हो रही हैं, वो नजर आ रहा है सबको कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी है। वो बालाकोट की तरह के बमबारी करके भाग नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं, मैसिव इन्वेजन। लेकिन ये सब कुछ एक आइडियोलॉजी के नीचे हो रहा है, और वो है हिंदुत्व। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात की कि हम तो हिंदुस्तान से अमन की बात करना चाहते थे, लेकिन रस्ते में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई। एग्जैक्टली, और ये आइडियोलॉजी अब कभी पीछे नहीं हटेगी, ये आगे बढ़ेगी। इसका काम है जिस तरह जर्मनी का काम था, उस वक्त फैशिस्ट आइडियोलॉजी थी कि पूरी दुनिया पे, यूरोप पे, रशिया पे उसने हमला करके जंग अजीम बर्पा कर दी, यही हिंदुत्व करेगी सूनर और लेटर। आप इस पे बहस कर सकते हैं कि कल करें या 6 महीने बाद करें, 1 साल बाद करें, लेकिन इस पर बहस नहीं कर सकते कि ये करेगी या नहीं करेगी। और जब इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ आपने अपनी कौम को इकट्ठा करना है, तो आपका रियासती बयानिया क्या होगा? अभी तक हमारे पाकिस्तानी स्टेट के पास कोई बयानिया नहीं है। एक जनरल नैरेटिव है पाकिस्तानी स्टेट का, ये फैसला किया गया कि हिंदुत्व की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के मुकाबले पर हम कोई काउंटर एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं देंगे, और हम सिर्फ मॉडरेट सॉफ्ट इमेज पेश करेंगे पाकिस्तान का। और हो सकता है वो इफेक्टिव ना हो, लेकिन बहुत लंबे अरसे में जाके कहीं ना कहीं हिंदुत्व को वो पीछे हटाने में कामयाब हो जाएगा। दिस इज सिली, दिस इज स्टूपिड, डेंजरस, इनफैक्ट सुसाइडल, मुमकिन नहीं है। जब तक आप हिंदुत्व के मुकाबले पर एक मजबूत इस्लामी बयानिया, जो कि हमारे दीन में जिसकी बुनियाद है, उसको लेकर नहीं उठेंगे, आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकते, अपनी कौम को इकट्ठे नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी रियासत, हमारे सारे सूबों का मिजाज, उनकी सकाफत, उनकी तहजीब, सब कुछ अलग है, हमें क्या चीज़ जोड़ के रखती है? इस्लाम। हमने इस्लाम की बुनियाद पर यह मुल्क बनाया था, और इसीलिए जब तक के गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं बनती है, आप हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी रियासत अभी भी गज़वा हिंद का नाम इस्तेमाल करते शर्माती है, जबकि हिंदुत्व की रियासत नहीं कर शर्मा मोदी और उसके सारे वजीर, उसके जनरल, उसकी रियासत, वो तो खुल के बात कर रहे हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी। हम क्यों शर्मा रहे हैं अपने दीन को इस्तेमाल करते हुए, डिप्लॉय करते हुए, जो हुक्म है, जिसकी बिशारत है, जो हमारे लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, हमारी रूहानी ताकत है हमारी। यही बात अब बयान करने की है कि यही वो आइडियोलॉजी, इस वक्त हम सुबाइयत में तकसीम हो गए,
कौमियत में, लसानियत में, फिरका वारियत में हमें जो चीज इकट्ठी करेगी वो हमारा दुश्मन करेगा, और दुश्मन के खिलाफ हमें एक बयानिया तैयार करना है जो हम सब के लिए काबिल कबूल हो, कुरान सुन्नत की बुनियाद पर हो, सईद रसुल्ला की अहदीस के मुताबिक हो और हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन हो। सदियों तक इस्लामी सल्तनतों ने इसी तरह किया, जितने चाहे वो उमैयद हों, चाहे अब्बासी हों, उसके बाद उस्मानी हों, सब ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन सईदी रसूलुल्लाह की उस हदीस शरीफ पे बनाई थी कि कुस्तुनतुनिया लाजमन फतह हो जाएगा, जो अमीर उसको फतह करेगा वो जन्नती होगा, जो फौज करेगी जन्नती। तो पाकिस्तान क्यों अपने मिलिट्री डॉक्ट्रिन गज़वा हिंद के हदीस पे नहीं बनाता? हमारा सर्वाइवल इसी पे। आज हम इनकार भी करते रहे तो कल जब ये हिंदुत्व हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा उस वक्त मजबूरन हम गज़वा हिंद की बात करेंगे। तो क्यों मार खाकर जलील होकर अपने इलाके दुश्मन के हाथ में देकर फिर गज़वा हिंद की बात करनी है? अभी क्यों नहीं करते? कौम को इकट्ठा क्यों नहीं करते? यही हमारा, और ये इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है हमारे हाथ में कि जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं गज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए कि हिस्ट्री का बैगेज है उनके ऊपर। उनको पता है कि 1000 साल मुसलमान मगरब से आते रहे और दिल्ली पर कब्जा करते रहे, 1000 साल की गुलामी है। बहुत सख्त खौफ है उनको इस बात का कि मगरिब से कोई और फौज दोबारा ना आ जाए और आकर पानीपत में इनको शिकस्त दे और दिल्ली पर कब्जा कर ले। बहुत शदीद खौफ है उनको, और ये खौफ बढ़ जाता है जब आप गज़वा हिंद की बात करते हैं। नफ्सियाती तौर पर अपने दुश्मन को पहले शिकस्त देने के लिए गज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन को आपको बड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा, रियासत को भी, फौज को भी, कौम को भी, मीडिया को भी। और ये वो डॉक्ट्रिन है जो कौम को मुत्तहिद भी करेगी, आपको एक पर्पस देगी। आप एक नेशनलिस्ट लाइन पे या सब नेशनलिस्ट लाइन पे दुश्मन से जंग नहीं करेंगे, कोई सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक सॉफ्ट नैरेटिव बिल्ड करके हिंदुत्व के हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी का मुकाबला कर सकें। और फिर जब कौम को ये मुत्तहिद करेगी तो फिर यही वो वक्त होगा कि जब आप दुश्मन का मुकाबला कर सकें। जिस तरह आप जंगी तैयारियां कर रहे हैं, जब दुश्मन टैंक लेकर आता है तो आप उसके मुकाबले पर टैंक लाते हैं, दुश्मन एटमी हथियार बनाता है तो आप उसके मुकाबले पर एटमी हथियार बनाते हैं, जब दुश्मन एक मजहबी, एक रेडिकल फैशिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आ रहा है तो आप उसके मुकाबले पे एक मजबूत फर्म इस्लामी नजरिया और बयानिया लेकर आते हैं, जब ही आप उसके मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं और कौम को मुत्तहिद करते हैं। गज़वा हिंद महोदय, आप अपने पाकिस्तान के लोगों का पेट ढंग से भरने के लिए अपने प्राइम मिनिस्टर को इंसिस्ट करें ताकि वो जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए थोड़ा अपना समय गज़वा हिंद से हटा के अपनी जनता की भूखमरी मिटाने की काम पे लगाए। तो दोस्तों, आपने देखा ये लोग आज भी अपनी सिचुएशन देखने की बजाय गज़वा हिंद पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों इनसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों न ये लोग अपने देश में शरिया कानून लगा लेते? शरिया कानून लगा लो, उसके बाद आप गज़वा हिंद पे जितना पैसा खर्च कर रहे हो, इतने आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हो, वो पैसा अगर आप अपनी जनता के विकास पे लगाओ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं भारत के एक नागरिक होने के नाते और भारत की तरफ से आपको कहना चाहूँगा, आप अपने भारत पाकिस्तान की जनता के लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, गज़वा हिंद वगैरह भूल जाइए, क्योंकि यहाँ भी एक ऐसी सरकार है जैसा कि आपने कहा है 2008 से आप इसको बहुत नज़दीक से वॉच कर रहे थे, तो आपने खतरा पहले ही भांप चुके हैं आप, तो आपने खुद कबूल किया है बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है, उसमें क्या हुआ है, दरख्त पड़े हैं या आतंकवादी मरे हैं, ये